नमस्कार, आज अपन बात करेंगे रासू का, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, यानी इंग्लिश में कहते हैं एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये रासू का क्या है और ये रासू का क्यों लगाया जाता है और ये कानून किस विशेष परिस्थिति में उपयोग किया जाता है, ये नॉर्मल कानून से कितना अलग है, इसके बारे में अपन जानेंगे। अभी हाल ही में दिल्ली में हिंसा हुई, सांप्रदायिक दंगे हुए, वहां पर 5 जनों पर रासुका लगाया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए लगाया गया। उससे पहले एमपी के खरगोन में सांप्रदायिक हिंसा हुई, वहां पर जो हिंसा करने वाले अपराधी हैं उनके ऊपर रासुका लगाया गया, एनएसए लगाया गया। तो उनके ऊपर वो जो नॉर्मल आईपीसी के कानून बने हुए हैं उनको क्यों नहीं लगाया, रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्यों लगाया उनके ऊपर, और यह कानून दूसरे कानून से कितना डिफरेंट है, आइए इसके बारे में आज अपन जानेंगे। देखते हैं, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए की फुल फॉर्म होती है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, और अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे तो रासुका, रासुका के नाम से ही जाना जाता है अधिकतर इसको। यह कानून 23 सितंबर 1980 में अस्तित्व में आया, उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस वक्त यह अस्तित्व में आया था। कहता है कि भारत की बहुत सारी जो सरकार हुई, कांग्रेस सरकार हुई, बीजेपी सरकार हुई, इस रासुका का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए भी बहुत किया, क्योंकि कहते हैं कि इस कानून का कुछ कुछ दुरुपयोग भी होता है, और दुरुपयोग क्या होता है देखिए, देखते हैं अपन। यह कानून है क्या, देखिए आप, यह कानून राज्य व केंद्र सरकार को ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार देता है जो राष्ट्र की सुरक्षा या उसके लिए खतरा हो। यह कानून राज्य व केंद्र सरकार को ऐसे शक्ति देती है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति को राज्य सरकार की पुलिस या केंद्र सरकार की पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है बिना किसी कारण बताए, बिना किसी ठोस सबूत बताए उसको गिरफ्तार कर सकती है, यह कानून यह कहता है। या राज्य की आवश्यक सेवाओं में कोई बाधित हो उसके लिए भी रासुका लगाया जाता है। अब इस कानून में होता क्या है देखिए आप। नंबर 1, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 3 माह तक जेल में रखा जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को अगर लगता है कि यह व्यक्ति संदिग्ध है और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है या राज्य की सेवाओं के लिए या केंद्र की सेवाओं के लिए खतरा है, कोई भी उसमें बाधा उत्पन्न कर सकता है, तो यह कानून उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति देता है। लेकिन हाँ, उसमें उस वो व्यक्ति उसको पूछ नहीं सकता है कि मुझे किस कारण से गिरफ्तार किया गया, इसमें पुलिस चाहे तो बिना कारण के उसको अरेस्ट कर सकती है, 3 माह तक उसको जेल में भी रख सकती है, और सरकार चाहे तो यह अवधि बढ़ा भी सकती है, सरकार चाहे तो 3 महीने, 6 महीने, साल भर भी अवधि बढ़ा सकती है। आपने देखा होगा कि साल भर पहले यूपी में भीम आरपी के संस्थापक चंद्रशेखर को यूपी सरकार ने 1 साल तक जेल में रखा था, उनके ऊपर रासुका लगाया था, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए लगाया गया था, उनको नहीं बताया गया था कि उनको किस कारण से जेल में रखा गया। तो ये होता है। सेकंड है, इसके तहत कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है, सबसे बड़ी बात देखिए। दूसरा, कोई से भी आप क्राइम करोगे तो सबसे पहले आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात और पॉइंट नोट करने वाली बात यह है कि इसमें आपके ऊपर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी, बिना एफआईआर के भी आपको आपके घर से उठा लिया जाएगा, और सरकार चाहे जितने दिन आपको जेल में बंद रख सकती है, अगर सरकार को लगता है कि ये सरकार के लिए खतरा है या देश के लिए खतरा है या सरकार की कोई आवश्यक कार्य में बाधा बन रहे हो, तो सरकार आपके ऊपर रासुका लगा सकती है। थर्ड, गिरफ्तारी के समय यह नहीं बताया जाता कि किस कारण से गिरफ्तारी हुई, आपको गिरफ्तार किया जाता है लेकिन सरकार को यह बताना जरूरी नहीं है कि आपको किस कारण से गिरफ्तार किया जाता है। दूसरी, कोई से भी आईपीसी की धाराओं में अगर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसमें आपको अधिकार है, यू हैव टू राइट, यू कैन आस्क टू क्वेश्चन कि आप मेरे को क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, दूसरी किसी अदर धारा में आपको गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन इसमें आप पुलिस से नहीं पूछ सकते, और पूछोगे भी तो पुलिस बताने का जरूरत नहीं समझती है।
फोर्थ, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार इसका डेटा नहीं आता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एक संस्था है जो ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी एफआईआर दर्ज होती है उसकी सारी डेटा उसके यहाँ रिकॉर्ड होता है, लेकिन रासुका का डेटा उसमें रिकॉर्ड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसकी तो एफआईआर दर्ज ही नहीं होती है। जिस जिसकी एफआईआर दर्ज होती है वह रिकॉर्ड राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में आता है। तो सबसे बड़ी बात, लोग ये भी कहते हैं कि यह बहुत ही एक इस कानून के लिए गलत है कि यह राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में भी इसका रिकॉर्ड डेटा नहीं रहता है। फिफ्थ, इस मुकदमे के दौरान कुछ समय तक आप वकील का सहायता भी नहीं ले सकते। इस मुकदमे के दौरान थोड़े समय तक तो आप वकील की सहायता भी नहीं ले सकते। देखिए कितना खतरनाक कानून है आम लोगों के लिए। बहुत सारे बुद्धिजीवी भी कहते हैं कि रासुका में नागरिक अधिकारों का हनन होता है। अब आप देखिए नागरिक अधिकारों का हनन कैसे होता है रासुका में, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में। ये देखिए आप संविधान के अनुच्छेद 22(1), संविधान के अनुच्छेद 22(1) में लिखा हुआ है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसका दोष जानने व परामर्श पाने का हक है। भारत का संविधान तो यह कहता है, अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 22(1) में यह कहा गया है कि कोई भी गिरफ्तार व्यक्ति है ना, उसको यह जानने का पूरा हक है कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया, और उसको कानूनी परामर्श लेने का भी पूरा अधिकार है। लेकिन ये दोनों चीजें रासुका में लागू नहीं होती है। आपको गिरफ्तारी के वक्त नहीं बताया जाएगा कि आपको किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है, आपको कानून परामर्श लेने का भी अधिकार नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि इस कानून से भारत के नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है। लेकिन सरकार अपने तर्क देती है, सरकार कहती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जब खतरा पैदा हो तो यह कानून सबसे बेस्ट कानून है। अगर उस वक्त हम जांच पड़ताल करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे, तब तक तो वो देश के लिए खतरा बन चुका होता है। इसलिए इतना टाइम नहीं होता है। इसीलिए सरकार यह तर्क देती है कि रासुका में बिना किसी कारण बताए संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करना जरूरी है। इसी के साथ आज यहीं ऐसे नॉलेजेबल वीडियो देखते रहिए मेरे साथ में।